जी खबर शामिल करते हैं। आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और मुस्लिम यूथ विंग का बाग आजाद कश्मीर तहसील देहरकोट में भरपूर अवामी ताकत का मुजाहरा। यूथ कन्वेंशन में यूथ के चेयरमैन सरदार उस्मान अली के साथ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर शफीक जराल समेत दीगर मरकजी क्यादत मौजूद। कारकुनान पर जोश। ताज़ा अपडेट के लिए 88 न्यूज़ के नुमाइंदा तैमूर अर्शद से तफसीलात देहरकोट बाग से। इस वक्त हम मौजूद हैं देहरकोट पे, जहाँ पे आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस यूथ विंग के सदर उस्मान अतीक ने ये पिंडाल सजाया है, जहाँ पे सीनियर कायदी यहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा सदर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस मिर्ज़ा मोहम्मद शफीक जलाल, अल मैनेजर नसरुल्ला साहब और उनके साथी देहरकोट से बहुत बड़े काफिले आए हैं। और आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का गढ़ है देहरकोट पे, जहाँ पे सरदार उस्मान अतीक खान ने अपना पावर शो किया। यह अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, कायदीन की बड़ी तादाद स्टेज पे मौजूद है, कारकुनान की बड़ी तादाद आई हुई है, मीडिया नुमाइंदगान हैं, सिविल सोसाइटी और वकला बरदरी। एक आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ये दावा करती है कि यहाँ पे 12 से 15 हज़ार लोग इन्होंने जमा किए हैं, और देखने में आया है कि 12 से 15 हज़ार लोग मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल से बहुत बड़े जुलूस के हमरा यहाँ पर पहुँची हैं। आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने जो पिंडाल सजाया है, इसमें यूथ का ये कन्वेंशन था। उस्मान अली खान और ख़ुद इसकी नुमाइंदगी कर रहे थे, कैमरा टीम के साथ तैमूर अर्शद चुगताई, 88 न्यूज़ बाग आज़ाद।